हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एरिक्सन जो एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका मानना था दुनिया का हर इंसान 8 स्टेजेस से गुजरता है और हर स्टेज में एक स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट होता है जिसे रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। ये स्टेजेस कौन से हैं और इन स्टेजेस में सोशल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट लाइफ पर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 1 साल के बच्चे में होता है। ये स्टेज फ्यूचर के सभी स्टेज का फाउंडेशन सेट करता है। इस स्टेज में बच्चे अपने केयर गिवर्स पर डिपेंड करते हैं, भरोसा करना सीखते हैं। अगर पेरेंट्स डिपेंडेबल हैं तो ट्रस्ट डेवलप होता है, नहीं तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक बच्चा जब रोता है और उसकी माँ उसे तुरंत उठाकर फीड करती है तो बच्चे को लगता है कि दुनिया सेफ है और नीड्स फुलफिल होंगी। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर बच्चे की नीड्स टाइम पर फुलफिल नहीं होती तो ये मिसट्रस्ट डेवलप करता है। दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में टॉडलर्स, जो कि 1 से 3 साल के होते हैं, इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करते हैं। सक्सेसफुल होने पर ऑटोनॉमी मिलती है, नहीं तो शेम और डाउट होता है। एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो एक टॉडलर जो अपने आप से चम्मच से खाना खाना सीख रहा है और अगर पेरेंट उसे इनकरेज करते हैं तो और पेशेंस दिखाते हैं तो बच्चा इंडिपेंडेंट फील करता है। और अगर पेरेंट्स उसे हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं या हेल्प नहीं करते तो बच्चा शेम और डाउट फील करता है। तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये स्टेज प्री स्कूल ईयर में होता है, जब बच्चे 3 से 6 साल के होते हैं। इस स्टेज में बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं और नए एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये वो वक्त होता है जब बच्चे अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल और पावर असर्ट करना सीखते हैं। खेल के दौरान या फिर सोशल इंटरेक्शन के दौरान या फिर अपने इमेजिनेशन के थ्रू। अगर एग्जांपल से इसको भी समझना चाहे तो एक 4 साल का बच्चा खेलते वक्त अपने खिलौने में डॉक्टर और पेशेंट बनाता है और पेशेंट और पेरेंट्स उसके खेल को इनकरेज करते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिसिएट करते हैं, तो बच्चा इनिशिएटिव लेता है, कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है और ये एक्सपीरियंस उसके लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करता है। और इनकरेजमेंट नहीं मिलने पर वो डाउट और गिल्ट फील करता है। चौथा जो स्टेज है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। ये 6 साल से 12 साल के बच्चे में होता है। इस स्टेज में बच्चे नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को मास्टर करने की ओर देखते हैं। इस स्टेज में बच्चे अपने अचीवमेंट्स पर प्राइड फील करते हैं और फेलियर से इन्फेरियरिटी का सेंस डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल्स समझे, एक स्टूडेंट जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है और उसे प्रशंसा मिलती है तो कॉम्पिटेंट फील करता है, और जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं और उसे इनकरेजमेंट नहीं मिलती तो वो इन्फीरियरिटी फील करता है और इन्फीरियर फील करता है। पांचवा जो स्टेज है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये स्टेज जिसमें बच्चे 12 से 18 साल के होते हैं अपना अलग अलग आइडियाज़ और रोल को एक्सप्लोर करते रहते हैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। और उनके सक्सेसफुल रिजोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेल्फ मिलती है और फेलियर से रोल कन्फ्यूजन और इंस्टेबिलिटी आता है। एग्जाम्पल, जिस बच्चे को अपने इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करने में सपोर्ट मिलता है वो एक क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करते हैं, और जिन्हें दूसरों के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर फील होता है वो रोल कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस फील करते हैं। छठा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
ये स्टेज 18 से 40 साल के बीच में आता है, जब यंग एडल्ट्स इंटीमेट और लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं। सक्सेसफुल रिलेशनशिप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनती है और फेलियर से लोनलीनेस और आइसोलेशन होता है। एग्जाम्पल, एक यंग एडल्ट जो क्लोज फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप सक्सेसफुली बनाता है तो वो लव और बिलोंगिंग फील करता है, अगर नहीं बनाता तो लोनलीनेस और आइसोलेटेड फील करता है। सातवां जो स्टेज है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैगनेशन। ये 40 से 65 साल के व्यक्ति में होता है। इस स्टेज में वो कुछ ऐसा नर्चर या क्रिएट करते हैं जो उन्हें आगे चल के जनरेटिविटी और यूजफुलनेस और एकम्प्लिशमेंट का फील कराए, और अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें फेलियर और स्टैगनेशन का फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एडल्ट जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाता है और कम्युनिटी सर्विस करता है तो वो अपने आप को एकम्प्लिश्ड फील करता है, और ऐसा नहीं करने पर स्टैगनेंट फील करता है। आखिरी आठवां स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर। ये 65 साल के ऊपर के एडल्ट फील करते हैं। इस स्टेज में एडल्ट्स अपनी लाइफ रिव्यू करते हैं और सेटिस्फेक्शन या फेलियर फील करते हैं। अगर अपनी लाइफ को रिव्यू करते वक्त उन्हें सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन मिलता है तो वो इसे विजडम और इंटीग्रिटी फील कराता है, और नहीं होने पर उन्हें लगता है कि ज़िंदगी वेस्ट कर दी और रिग्रेट और डिस्पेयर फील करते हैं। तो ये थी एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो ये दिखाती है ज़िंदगी अलग अलग फेजेस में सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस उनकी पर्सनैलिटी को कैसे शेप करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।